दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीरा फाइनेंस ऐप से मुझे यहाँ पे 15,995 रुपया का लिमिट मिला हुआ है। मैं चाहूँ तो इस पैसे को मैं अपने बैंक अकाउंट में तुरंत के तुरंत ले सकता हूँ। तो देखिए इस पैसे को लेने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अवेलेबल लिमिट है 15,995 रुपया। इसके बाद हम यहाँ पर गेट लोन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने गेट लोन पर क्लिक किए तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा प्लीज वेट, हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो ये बोल रहे हैं कितने मंथ के लिए आपको पैसा लेना है, 12 मंथ के लिए या कुछ आप कम बेसी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 12 मंथ के लिए यहाँ पे पूरा अगर किया मैं तो यहाँ पे जो इनका EMI आएगा 1,559 रुपये आएगा। इसी को अगर पैसा थोड़ा कम कर अगर इसे हम कम करते हैं ठीक है, 3 महीने के लिए रखते हैं तो 5,600 रुपये का EMI आएगा इनका ठीक है। तो 3 मंथ में ख़त्म हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंटरेस्ट जो है 30% का पर ईयर लग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बैंक से अगर यही लोन हम लेने जाएंगे तो हमें 15 से 17% के बीच में हमें लोन मिल जाता है ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये नीरा NBFC EAF है, इसके लिए यहाँ पे हमें थोड़ा इंटरेस्ट डबल है, यानी कि बैंक से अगर बात की जाए तो यहाँ पे डबल इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है ठीक है। लेकिन ये है कि पैसा स्टेट बैंक में आ जाता है ठीक है। तो देखिए अब इसे मान के चलिए मैं 1,559 रुपया कर देता हूँ। अब इसके बाद गेट माई पर लोन करता हूँ ठीक है। गेट माई लोन पर जैसे मैं क्लिक कर दे बोल रहा है कि लोन अमाउंट सिलेक्ट 15,995 रुपया ठीक है। लोन टेनवर जो है 12 मंथ है, एक बार आप रिव्यू लोन पर क्लिक कीजिए ठीक है। तो प्लीज वेट, देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें आपको डिटेल्स पर डिटेल्स अच्छे से देखना है। देखिए यहाँ पे ये लोग यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट जो है 15,995 है, प्रोसेस फीस जो है 1,231 रुपया कट जाएंगे और GST 18% के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 221 रुपया कट जाएंगे। अप्रैल 2024 EMI यानी कि फर्स्ट EMI ऑन 15 मई से स्टार्ट होगा, जो कि आपका 104 रुपया कटेगा अकाउंट से ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अमाउंट ट्रांसफर होगा यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा 14,439 रुपया हमारे खाता में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि मंथली EMI हमारा EMI कितना होगा महीने का, तो मतलब यहाँ पे आप 15,059 रुपया महीने का EMI होगा। फर्स्ट EMI डेट 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट की बात की जाए तो 2,817 रुपया देना पड़ेगा ठीक है। अब इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एनुअल इंटरेस्ट रेट यानी कि साल के इंटरेस्ट रेट जो लगा रहे हैं 30% के आसपास लगा रहे हैं, ये 30% लगा रहे हैं ठीक है। और यहाँ पे अप्रैल इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट प्रोसेस फीस के नाम कहे तो यानी कि 38% इसे आप कह सकते हैं। तो यानी कि अगर बैंक से मैं बात करूँ तो बैंक से डबल ट्रिपल यहाँ पे ब्याज लिया जाता है और NBFC वाले जो है ज़्यादातर ब्याज लेते हैं। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि देखिए आप नीरा फाइनेंस से अगर लोन लेते हैं तो आपको अगर वैसे ज़रूरत है कि आपको अब कहीं मिलने वाला नहीं है तो यही एक है तो जाके आप ये ऐप से लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट मुझे देखने को बहुत ज़्यादा मिला ठीक है। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे लोन के मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको इसलिए बताया कि देखिए अगर आपको लोन की अगर आवश्यकता है तो नीरा फाइनेंस ऐप एक बढ़िया ऐप है। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो इस ऐप को आपको एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक का इंस्टेंट लोन इसमें मिल जाता है ठीक है। तो दोस्तों अगर मुझे इस लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको नहीं बताना। मैंने इस पर कई सारे वीडियोज़ बनाई है, उस सभी वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।